नमस्कार, ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण मानको स्वागत। आमर धर्मग्रंथ मानंकरे बसंत पंचमीर अनेक महत्व रही अछि। एही दिन ज्ञान एवं विद्यार देवी माँ सरस्वती आविर्भूता होइथिले। वेदर मत अनुजाई ब्रह्मा जेबे सृष्टिर रचना करिथिले एही ब्रह्मांड मौन रहिथिला। एथिरे कौनसे प्रकारर ध्वनि नथिला एवं ज्ञान मध्य नथिला। एही समस्यार समाधान पाई ब्रह्मा विष्णुंकर निकटकु गले। प्रभु विष्णु माँ आदिशक्तिंकु आवाहन करी एही समस्या जणाइले। सेही समयरे माँ आदिशक्तिंकर अंगरु एक दिव्य ज्योति प्रकट हेले। सेही ज्योति मध्यरु एक श्वेत वर्ण एवं श्वेत वस्त्र युक्ता श्वेत पद्म उपरे विराजिता जणे देवी प्रकटित हेले। सेही देवी प्रकट हेबा क्षणी निजर वीणानाद करिले एवं निजर मुखरु सात सुरकु प्रकट करिले एवं समग्र ब्रह्मांडकु निजर ज्ञानर आलोकरे आलोकित करिदेले। सेही समयरे समस्त देवी देवतागणंकर ज्ञान चक्षु उदय हेला एवं देवतागण सेही चतुर्भुजी वीणाधारी देवीकर आराधना करिले एवं स्तुति करिले। ता सह निजर मुखरु सात सुरकु प्रकट करिथिबारु माताकु सरस्वती नामरे संबोधन करिले। बसंत पंचमी अर्थात श्रीपंचमी सरस्वती पूजा दिन क्यों सब भूल को करिबा द्वारा गोटे विद्यार्थी मानंकु अज्ञानता एवं अपजस प्राप्त हुए, आज आम से ही विषय आलोचना करिबा। जदि आपण माँ को प्रसन्न करिबा को चाहूँचंती तेबे क्यों सब नियम को पालन करिबे, क्यों सब कथार ध्यान रखिबे, आज आम एही भिडियो रे एही सब विषय आलोचना करिबा। बसंत पंचमी दिन कदापि सकाळरे अधिक समय सोई रहिबे नाही, बरम सूर्योदय पूर्वरु निद्रा त्याग करि श्वेत वस्त्र को धारण करि माता सरस्वतींकर पूजा आराधना करिबे। ता सहित स्फटिकर माळारे ओम ऐं सरस्वत्यै देव्यै नमः माताकर एही बीज मंत्र को जप करिबे। एही बीज मंत्र को जप करिले मूर्ख मनीष मध्य पंडित हुए एवं मनीष को बाक सिद्धि प्राप्ति हुए। एहि मंत्र को प्रतिदिन जप करिबा द्वारा जेउ मानंकर पाठ पढ़ारे मन लागुनी से मानंकर पाठ पढ़ारे मन लागिबो एवं क्यारियर रे सफलता मिलिबो। एहि दिन जेउ माने सूर्योदय हेबा परे मध्य सोई रुहंती से माने मांकर कृपारु वंचित होई जांती। ता सह विद्यार्थी माने एहि दिन कला वस्त्र को धारण करिबा अनुचित। बाणी रे माँ सरस्वती बास करिथांती, सेथिपाई एही दिन निजर बाणी उपरे संयमता रखिबा आवश्यक। प्रत्येक कथा को कहिबा पूर्वरु भाबी चिंती कहिबे, मिच्छ कथा आदौ कहिबे नाही, काहाकु अपमानित करिबे नाही, काहाकु मध्य कटु कथा कहिबे नाही। एही बसंत पंचमी भली पवित्र दिन रे केवल सत कथा ही कहिबे, समस्तंकु भल कथा ही कहिबे, एही नियम मानिले माँ प्रसन्न हुवंती। विद्यार्थी जीवन रे प्रत्येक छात्र को व्यसन मुक्त रहिबा उचित। सरस्वती पूजा दिन समस्त प्रकार भोग विलास एवं व्यसन सामग्री ठारु दूरेई रहिबा उचित, कारण व्यसन मनीषर मस्तिष्क सहित तहार जीवन उपरे खराब प्रभाव पकाइ थाए। खराब अभ्यास कारणरु मनीषर बुद्धि शुद्धि क्षय होइ जाए। जदि आपण कोनोसी प्रकारर खराब अभ्यास बा खराब व्यसन रे पड़ी जाइछंती तेबे एही दिन माँ को पाखरे शपथ नहीं से सब प्रकार खराब अभ्यास को त्याग कर दियंतु। विद्यार्थी मानंकु केबे हेले निजर गुरुंकर अपमान करिबा उचित नुहे। जेऊ शिष्य निजर गुरुंकर अपमान करिथाय से केबे भी निजर जीवन रे उन्नति करि पारे नाही एवं ता सह सेही विद्यार्थी केबे भी माँ सरस्वतींकर कृपा लाभ करि पारे नाही। एही दिन निजर क्रोध एवं अहंकार को त्याग करिबा उचित। एसबु त्याग करिले मनीष को बुद्धि एवं सत् ज्ञान प्राप्ति हुए। क्रोध मनीषर कंठरे माँ केबे भी विराजमान हुवंती नाही। एही दिन केवल मन को शांत रखी माँ सरस्वतींक ठारे निजर ध्यान को रखिबा उचित। एही दिन मद मांस माछ पियाज रसुण एही सबु तामसिक पदार्थ को त्याग करिबा उचित। श्रीपंचमी दिन केवल सात्विक आहार ही भोजन करिबा उचित। भोजन सात्विक रहिले ही मनीषर मन मध्य पवित्र रहिबो। माँ सरस्वती निजे प्रकृति स्वरूपिणी, तेणु एही दिन भूमि को खोलिबे नाही किंबा गच्छ पत्र को काटिबे नाही, परम एही दिन वृक्षारोपण करिले माँ आशीर्वाद करिथांती। माँ सरस्वतींकर प्रसन्नता पाई गेंडु फूल सोरिष फूल एमिति हळदिया रंगर पुष्प अर्पण करिले भल। एही दिन खाता बही को खोला रखिबे, नचेत विद्या सुप्त हो जाए। माँ सरस्वतींकर सामनारे निजर पाठ्यपुस्तक को रखी पूजा करिबा उचित।
ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ଦିନରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ପୂଜାପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ମଣିଷକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ବୀଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତା ସହିତ ବୀଣାର ଧ୍ୱନିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୀଣା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଚନାତ୍ମକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ହଂସ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ। ହଂସର ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହଂସର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ହଂସ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିଲେ ଘରେ କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ହଂସର ଛବି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଯାଏ। ମୟୂର ଚୂଳକୁ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଶୁଭ। ଏହି ମୟୂର ଚୂଳକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରି ନିଜର ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ବହିରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଯିଏ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଦେଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ମା ଖୁସି ହୋଇ ତାହାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ମଣିଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେବେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ବାଧା ଏବଂ ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନୂଆ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।